दोस्तों सब्सक्राइब करें बकचोद मिस्ट्री चैनल को और इस घंटे को दबाकर हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाएं। दुनिया में एक से एक घटनाएं होती है। कई घटनाएं जहां बेहद सामान्य होती है तो कुछ घटना बेहद ही चौंकाने वाली होती हैं। आज मैं आपको दुनिया भर के कुछ ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बेहद ही रहस्यमय मानी जाती है। इनमें से कई घटना ऐसी भी है जिसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च भी की गई है लेकिन ठीक ठीक कारण पता नहीं चल सका। हालांकि यह अपने आप में अजीबोगरीब है लेकिन साइंस की तरक्की के बावजूद कई घटनाओं पर से अभी भी पर्दा नहीं उठ सका है। तो आइए जानते हैं ऐसी कुछ घटनाओं के बारे में। तो टाइम के मामले ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। कपूर फैमिली ने 1950 के आसपास टेक्सास में एक पुराना घर खरीदा। उस घर में पहली रात जश्न मनाने के दौरान उनके पिता ने परिवार की फोटो ली। इस फोटो में दो बच्चे अपनी माँ और दादी के गोद में बैठे हुए हैं। इस फोटो को डेवलप होने के बाद पूरा परिवार ही आश्चर्य में पड़ गया क्योंकि फोटो में परिवार के साथ ही एक लटकती हुई लाश भी दिखाई दे रही थी। दावा किया गया कि फोटो लेने के वक्त वहाँ ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि इस फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई है लेकिन कपूर फैमिली ने इससे इनकार किया। बाद में फोटो की सच्चाई जानने की कई लोगों ने कोशिश की लेकिन यह अब भी रहस्य बनी हुई है। नॉर्वे के होस्टेलेन में हिस्स डालियन घाटी के आकाश में अक्सर देखे जाने वाली रोशनी एक अबूझ पहेली की तरह है। ज्यादातर यह रहस्यमय रोशनी चमकदार सफेद पीले या लाल रंग में एक घाटी से अधिक देर तक दिखाई देती है। यह रोशनी कभी तेजी से तो कभी धीमी हवा में तैरती है। इस तरह की घटना केवल नॉर्वे में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे भागों में भी 1940 के बाद से खबरों में आती रही है। इसके कारणों को जानने की काफी कोशिशें की गई हैं, पर किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला है कि आखिर ये रोशनी कहाँ से आती है। को सेंट प्रकाश के एक चर्च को एक जोरदार आंधी का सामना करना पड़ा। इस दौरान चर्च से एक आसमानी बिजली टकराई थी। चर्च में प्रार्थना करते 300 लोगों से खचाखच भरा हुआ था। दोपहर का समय होने के कारण 4 लोग इसमें मारे गए और 60 लोग बुरी तरह से घायल हो गए और बिल्डिंग पूरी तरह से तहस नहस हो गई। इस घटना के पहले अजीब अंधेरा छा गया था। तेज रोशनी चर्च और उसमें बैठे लोगों को नुकसान पहुंचाकर वापस चली गई। इंटरनेट पे एक वेबसाइट है, उसका नाम है thechrist.com। तो उसके मुताबिक स्थानीय लोगों ने दावा किया था कि एक शैतान ने जुआरियों को बुलाने पर इस घटना को अंजाम दिया था। असल में क्या हुआ था इसे लेकर आज भी इसके बारे में बातें हो रही है। कई रिसर्चरों ने इस घटना के तह में जाने की कोशिश की लेकिन उन्हें भी कुछ हाथ नहीं लगा। सो गाइज आई होप कि आपको यह वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वाली वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ जरूर से लाइक कर देना। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।